problems they have. My rentals. So, what do you think? गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग हैं देहरादून में। ये देखिए अपनी फ्रेंड के घर पे हैं और हम आज जा रहे हैं चकराता, जो एक ब्यूटीफुल सा हिल स्टेशन है। हमने टैक्सी बुक किया, वो हमारी टैक्सी उधर खड़ी हुई है, वो दिख रही होगी, वो उधर खड़ी हुई है। तो अभी हम चलते हैं और वहाँ की बहुत ही दिखाते हैं आपको, सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी सी। गाइस हम आ गए हैं नीचे, चकराता जाने के लिए रेडी हो गए हैं और ये है हमारे साथ ठीक है। तो हमारी टैक्सी आ गई है इसके घर पर। मोटी हाय, तो हम फुल एंजॉय करने वाले हैं। आ गई है ये रही, we are ready to go chakrata। सामान रख लिए हैं, ये लीजिए पानी, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो बहुत धूप है यहाँ पे, ये भावनगर घर। चलो बैठ, चलिए बैठते हैं हम भी अच्छे से। ठीक है, अभी जल्दी ठीक है, चलने वाले हैं। ये कौन सी गाड़ी है? तो हम आए हैं, आई लव महादेव, यू नो आई रियली लव महादेव पार्टी होल परांठा ढाबा के अंदर हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए। ठीक है, तो चले चलते हैं। अशोक का शिलालेख में आ गए हैं हम, ये हमारी पहली डेस्टिनेशन टूर्स टू चकराता। क्या स्वाद है देखना। हम आए हैं अशोक के शिलालेख पे। ठीक है, यहाँ पे जब आप चकराता जाओगे तो रास्ते में ही पड़ेगा आपको, ये देखो आप सबसे प्यारा व्यू जो देख रहे हो आप व्यू देखो। अरे ये भाई साहब, हाँ जी, कहाँ पे आए हम दीपू? हम अशोक शिलालेख पे आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस है। देखिए प्लेस है, वेयर लेट्स चेक मारो, अब छोड़ो, बहुत पीसफुल है। हाँ बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत सुंदर लग रहा है पूरा व्यू नज़ारा। ये जो शिलालेख अपने आप में एक अपनी शांति का प्रतीक बता रही है, वो देखो आप अंदर दिख रहा है आपको, एक शिला सा पड़ा हुआ, मतलब बड़ा सा पत्थर जैसे कह सकते हैं वो है। तो दिस इज अशोक का शिलालेख, ये रहा। ठीक है, नमस्कार, आपका स्वागत है चकराता पहाड़ों के अंदर। देखिए सुंदर व्यू, हम चकराता और छोटा सा वाटरफॉल
जो रास्ते में चकरा था ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत 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 बढ़िया लगता है, बहुत सुंदर है यहाँ पे, सब इंजॉय कर रहे हैं बहुत मज़ा। सही में रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर जगह दिख रही है ना, लाइक लाइक इट। हम हो गए हैं चक्राता में एंटर, देखो और यहाँ पे आते ही थोड़ा सा वेदर में हल्का सा चेंजेस आया है, जो पहले सन पड़ रहा था हमारे ऊपर बिल्कुल बुरी तरह से, अब वो हट चुका है, बहुत छाई से आ चुकी है और दिन के बज रहे हैं अराउंड 2। और ये देखो ये है छोटा सा ट्रैक फॉर होटल स्नो व्यू के लिए, तो हम आज बात करने जा रहे हैं, देखते हैं, देखने में तो टूर से काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये पार्क भी बहुत अच्छा है और ये एरिया भी बहुत अच्छा है, तो चलिए चलते हैं। देखिए जिसे हम स्नो व्यू होटल समझ रहे थे वैसे वो है नहीं, डिफेंस एरिया है, देखिए कितना सुंदर है, एक रियली लाइक दिस नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें, बिल्कुल ये जो बस्ती टाइप बनती है बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बस हमारे इस नेचर को सुरक्षित रखना, सबको सुरक्षित रखना। हमने नेचर के बीचों बीच ले लिया है कैंप, बहुत सुंदर है, आपको दिखाते हैं, देखो रास्ता भी प्यारा है और व्यू भी प्यारा है, लेट्स गो। देखिए हमारे कैंप एरिया जाने का रास्ता, ये ऊपर कैंप व्यू, कितने सुंदर सुंदर कैंप्स इधर, वुडन कैंप्स, और हमारे को इसमें जो अवेलेबल था वो था टेंट, वो रहे छोटे छोटे टेंट, वो खड़ी दीपिका, व्यू चेक मारो आप, सी इन वादियों के बीच में हम रहने वाले हैं और क्या चाहिए ज़िंदगी से, लाइफ एक ही है दोस्तों, इन्जॉय करो, पता नहीं कब क्या हो जाए। और वो रहा हमारा छोटा सा कैंप, पागल हो गई ये कैंप को देखकर, सो लेट्स गो। हमने फाइनली बहुत घूम के अराउंड 1:30-2 बजे हम चक्राता पहुंच गए थे, बट देखते देखते घूमते घूमते कितने बज गए अभी दीपिका, 4 बज गए, 2 घंटे से ऊपर तो हो गए प्यार से, और हमने ये कैंप ढूंढे हैं जो बहुत ही प्यारी वादियों में है, सब्र का फल सच में मीठा होता है, तो भावना कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है सच में, क्रेडिट गोज़ टू मी, यस क्रेडिट गोज़ टू दीपिका, थैंक यू सो मच दीपिका, एंड बजट फ्रेंडली टेंट, ओनली 1200 रुपीज फॉर 3 ऑफ अस, एंड ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल, हाँ टेंट भी मतलब अच्छा खासा एरिया है, आप देख सकते हो बिल्कुल तरीके से है, और ये विंडोज छोटी छोटी प्यारी सी, तो सही अच्छा है, अंदर बंद कर, बढ़िया ठीक है। देखिए गाइस कितना सुंदर कैंप एरिया है, दीप गाइस सच में ये बहुत पीसफुल है, हाँ बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया लग रहा है सच में, ये जो ऑनर है यहाँ के ये जो ऊपर रहते हैं, देखो इन्होंने भी कितना प्यारा व्यू बना रखा है इधर से, और जाने का नेचर इज रियली ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड वाओ, वो तीन देख रहे हो, हाँ ब्यूटीफुल। वैसे हमारे पास गुंजन हमारी गाइड है जिसको दिखाने के लिए मना किया गया, ठीक है, तो सबकी प्राइवेसी अपनी अपनी होती है, अब देखो रास्ता कितना प्यारा है, तो ये इनका प्राइवेट घर है और ये हमें ऊपर लेके जा रहे हैं। कौन से पेड़ दिखाने लेके जा रहे बेटा, पेड़ बता रहे थे ऊपर, ये देखो रास्ता, तो ये नेचर देखो, दिस इज नेचर है ना, दिस इज भावना एंड विशाल गुंजन। हम पहली बार ऐसे घर में एंट्री करेंगे पहाड़ी घर में, ये देखो गुंजन क्यूट सी, नाइस वाओ, कितना अच्छा बना हुआ है। हमारे जो गुनगुन गाइड थी हमें ऊपर तक लेके आई है, देखो ये ट्रैक एरिया पूरा करवा के, ये देखो इतने से एरिया से हम चल के आएंगे टक 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 वहाँ पे, गाइस ये हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल पे, ऐसे कह सकते हैं, बहुत सुंदर व्यू है चक्राता, और जहाँ हम कैंपिंग कर रहे हैं वहाँ की एक प्यारी सी गुनगुन लड़की, गुनगुन सॉरी, ये देखिए क्यूट है बहुत, ये इसने हमें ट्रैक कराया है, बहुत प्यारा है,
ऊपर लेके गए हैं। सच में आओ तो चकराता हो ना, मैं तो सच में बोलूंगी अब यहाँ के स्टे करो, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे। यस, और इनकी सिस्टर भी आ रही है, ठीक है। इतनी प्यारी सी छोटे छोटे रस्ते से निकाल दे लोकल एरिया जो होते हैं, और यहाँ पे पेड़ देखो आप, क्या पेड़ है, मतलब बिल्कुल ये पोज मार के खड़ी है, बहुत सुंदर पेड़ है सच में। थैंक यू। हाँ चलते ऊपर चलते हैं, हमारे गाइड को फॉलो करते हैं। ब्यूटी ऑफ चकराता देखो आप, सच में यार दिल को मोहने वाला ये रास्ता है भाई, ये इधर से गए हैं, देखो आप कितना मस्त जंगल वाला एरिया है, बहुत सुंदर है। वंस अ विजिट बनता है सच में। ये देखिए अब पूरा रास्ता ये जा रहा है, देख लो आप, वाओ शिट ब्यूटी स्टार्ट हियर। देखो जा रहे हैं, कैसी लगी ट्रैकिंग है, कैसी लगी ट्रैकिंग? यस और ऊपर जा सकती थी। यस ये देखिए मैम ने, नया ये देखो देखो चाट रही, देखो वीडियो बनाओ ना, बस हाथ में स्वाद नहीं है बेटा, मैगी खाएगी तो ऐसे करो अरे घास नहीं है मेरा हाथ, ये स्वाद नहीं है बेटा। क्या सुंदर सा इन्होंने ये बना रखा, बिल्कुल गाय का तबेला है ना, तबेला कहते हैं वहाँ पे मेमना का। और देखो इनके पास खच्चर भी है प्यारा सा, देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है चांद, बिल्कुल ना बादलों के पीछे झांक रहा है, जो रियल में एक्चुअल में आके देख पा रहे ना, आई डोंट थिंक सो, कैमरे में ना कैद हो पा रहा होगा, बट रियली ब्यूटीफुल, मतलब सिमटे हुए ब्यूटीफुल।